जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनोहरी। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसिदा वृंदावन से, आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी का स्वागत है। आज की बात करते हैं कुंभ राशि का, जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। श्रृंखला चल रही है जुलाई के महीने की, कुंभ राशि का आज वर्णन करते हैं। कुंभ राशि का कैसा महीना रहेगा आपके लिए। कुंभ राशि में पहले ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं, फिर बताएंगे आपको आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी, आपका घर का सुख कैसा रहेगा, विद्या बुद्धि कैसी रहेगी, लव प्यार लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन की क्या पोजिशन होगी, और आपका भाग्य आपका कितना सपोर्ट करेगा, कैरियर के मामले में आपको इस महीने में कितना राहत मिलने वाली है। पहले ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए शनि महाराज स्वयं कुंभ राशि में विराजमान है काफ़ी समय से, और अभी मार्च 2025 तक यहीं रहने वाले हैं। राहु आपके सेकंड हाउस में है, सॉरी मंगल आपके थर्ड हाउस में है, अपने घर में बैठे हैं। गुरु आपके फोर्थ हाउस में है, वृष राशि में। सूर्य और शुक्र की जो युति है पंचम भाव में है। बुध आपके छठे घर में बैठे हैं, केतु आपके अष्टम भाव में बैठे। ये आपके ग्रहों की स्थिति है इस महीने की शुरुआत की। अब यहाँ इस महीने में ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होना है, जो आपके लिए कितना फायदा देगा कितना नुकसान करेगा। शनि महाराज 30 जून को बकरी हो चुके हैं, और बकरी अवस्था में वो जुलाई के महीने में गोचर करेंगे आपके लग्न भाव में। तो पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, शनि बकरी हैं और अपने घर में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, सस नामक जो पंच महापुरुष योग होता है उसको बना के बैठे हुए हैं, और शनि के ऊपर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, ना राहु की है ना मंगल की है। अब पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, शनि बिल्कुल इसको निर्मल कहा जाता है। जब निर्मल ग्रह होता है तो वो स्वास्थ्य के हिसाब से आपको अच्छा प्रभाव देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जुलाई के महीने में स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, फर्स्ट पॉइंट है आपके लिए। दूसरी बात करते हैं आपके परिवार की, आपके धन की स्थिति की, धन कि आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने कैसे रहने वाली है। देखिए, राहु बैठा है आपके धन भाव के अंदर। अब राहु धन को संचित नहीं करने देता, इकट्ठा नहीं करने देता, क्योंकि राहु जैसा ग्रह है परिवार के भाव में इसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक तरह से मुँह फट जैसा हो जाता है। इसके मुँह में जो आएगा वो कह देगा, तो हो सकता है परिवार वालों से आपका विवाद भी हो। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सोच के चलना है कि परिवार में किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि धन के लिए रास्ते आपके लिए बहुत बनेंगे, लेकिन इस महीने आप निवेश तो कर सकते हैं लेकिन आप धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस को स्वामी मंगल बनता है, स्वयं अपने घर में बैठा है। मंगल आपके दसवें घर का भी मालिक बनता है, तो जब दसवें घर का ये मालिक बनता है और दसवें घर पे मंगल की दृष्टि भी जा रही है, शनि की दृष्टि भी दसवें घर पे है, और चौथे भाव में जो बृहस्पति बैठे हैं उनकी दृष्टि भी आपके दसवें घर पे है, तीन तीन ग्रहों का प्रभाव टेंथ हाउस में है। इसका मतलब ये है कि आपके कैरियर में इस महीने आपको कुछ न कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला है। आपको खुशियों का आगमन हो सकता है कैरियर की तरफ से, जॉब की तरफ से, नौकरी की तरफ से, क्योंकि जब नौकरी का भाव है ये और मंगल जैसा ग्रह शुक्र ही बैठा है और शनि और बृहस्पति दोनों इसको देख रहे हैं, तो जॉब के मामले में आपको पूरा सेटिस्फिकेशन होना चाहिए। इस महीने कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपके जो सहयोगी हैं, आपके साथ जो काम करने वाले हैं, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बढ़िया रहेगी, और आप और किसी प्रकार की उनसे हेल्प मांगेंगे तो आपको उनको सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगी। तो ये आपके नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, और व्यापार की दृष्टि से भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि तीन तीन ग्रहों का प्रभाव आपके दशम भाव पर है और सबसे ज़्यादा प्रभाव मंगल का है, क्योंकि मंगल 12 जुलाई को जब चौथे घर में आएंगे, फोर्थ हाउस में आएंगे बृहस्पति के साथ, तब इनकी दृष्टि सीधी सीधी टेंथ हाउस पर पड़ेगी। तो यहाँ से भी मंगल का प्रभाव पूरा महीना रहने वाला है। तो जो लोग होटल का मैनेजमेंट का, रेस्टोरेंट का, या ईंट भट्टे का, इस तरह का काम करते हैं, जमीन का काम करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आ रही है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। अगर आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, ईंट भट्टे का काम करते हैं, बहुत बढ़िया है। कोई भट्टी का काम है आपका, ढलाई का, या इस तरह जो काम होते हैं अग्नि से संबंधित कोई काम है, बहुत बढ़िया है। माइंस का काम है, बहुत अच्छा है। आप टीचर हैं,
जज हैं, वकील हैं आप, क्योंकि इनके लिए भी बहुत ज्यादा समय, क्योंकि बृहस्पति भी दृष्टि दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रॉपर्टी से संबंधित काम है, मकान बनाने का, रियल इस्टेट का काम, ये सारे कामों में आपको इस महीने लाभ रहने वाला है, क्योंकि लाभ का जो स्वामी है वो फोर्थ हाउस में बैठा है और उसकी स्वयं की दृष्टि आपके करियर के भाव पर जाती है। तो ये महीना लाभ की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा है और इनकम जो होगी आपकी, इसको हम बेनिफिट कहते हैं, लाभ कहते हैं, लाभ की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं प्रॉपर्टीज में, किसी प्लॉट में, मकान में, किसी बाल में अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी इस महीने नहीं होनी है, क्योंकि ग्रहों का गोचर आपके बहुत ही अनुकूल होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपको संपत्ति प्राप्त हो सकती है इस महीने, अगर आप कोशिश करें तो संपत्ति आपको मिल सकती है। बृहस्पति की बात करते हैं, बृहस्पति चौथे घर में बैठे हैं, चौथा घर होता है हमारे अचल चल धन संपत्ति का होता है, धन का होता है, माता का होता है। तो यहाँ बृहस्पति देखिए केंद्र में जो ग्रह बैठता है, केंद्र में ग्रह बैठता है तो उसके मनोर कहीं वो पापी ग्रह भी, तो उसके आधे दोस्तों वैसे समाप्त हो जाते हैं। और दूसरी बात, जब बृहस्पति जैसा ग्रह जो सबसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सौम्य ग्रह है, बढ़िया ग्रह है, अगर वो केंद्र में बैठता है तो वो कुंडली के जो दोष होते हैं उन सभी दोषों को समाप्त कर देता है। जब दोषों को समाप्त कर देता है तो कुंडली निर्मल हो जाती है, निर्मल कुंडली होगी आपको ज़्यादा फायदा देगी। अब मंगल का गोचर भी इसके साथ 12 जुलाई के बाद होने वाला है, तो 12 जुलाई से बृहस्पति और मंगल दोनों मिलकर के एक बहुत बढ़िया योग बनाएंगे आपके लिए, जो योग होगा आपका करियर को देखने का, आपको लाभ को देखने का। लाभ और करियर आपको दोनों तरीके से लाभ मिलने वाला है, करियर से भी लाभ मिलेगा और आपको मित्रों से भी लाभ मिल सकता है, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े भाई, उनसे भी आपको लाभ मिल सकता है। प्रेम प्यार की बात करते हैं, शुक्र भोग विलास का कारक होता है और शुक्र स्वयं जब पंचम भाव में बैठता है, पंचम भाव हमारी बुद्धि का भाव होता है, तो हमारी जो ज़्यादातर जो ध्यान है या मन है वो भटकेगा प्यार पाने के लिए या लव रोमांस के लिए धड़केगा। तो शुक्र का यहाँ बैठना आपको इस मामले में काफ़ी हद तक एक अच्छी रास्ता दे सकता है, लेकिन सूर्य के साथ बैठने से थोड़ा सा आपको एक अहम या गुस्सा या एक जो कहते हैं ना एक घमंड सा आपको पैदा जरूर होगा, तो जो ईगो है आपकी वो बढ़ेगी सूर्य के साथ बैठने से, तो आपको इसका थोड़ा बचाव करना। इसके बाद शुक्र का जो गोचर है वो 6 जुलाई को वो छठे घर में चला जाएगा। छठे घर में शुक्र अच्छा होता है और यहाँ पर ये बुध के साथ बैठा हुआ है। अब शुक्र और बुध दोनों कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लिए योग कार्य ग्रह माने जाते हैं, भाग्य का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, तो दोनों जब योग कारक माने जाते हैं छठे घर में बैठेंगे तो आपको देखिए छठा घर होता है हमारे धन त्रिकोण का दूसरा भाव है, शुक्र धन का मालिक होता है। जब यहाँ बैठेंगे तो आपको नौकरी से व्यापार से बहुत अच्छा धन लाभ कराएंगे। शुक्र और बुध की युति छठे घर में आपको हर किसी कंपटीशन में विजयी कराएगी। अगर आप पढ़ाई करने वाले हैं, छात्र हैं, तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत उन्नत है, बहुत अच्छा समय। प्यार मोहब्बत के लिए भी ये समय शुक्र का छठे घर में बैठना अच्छा है। किसी प्रकार की आपको यहाँ जो लव रिलेशन में दिक्कत है, कई बार आती है, मनमुटाव पैदा हो जाता है, एक दूसरे की बातों को समझते नहीं है, सुनते नहीं है, ये सारी दिक्कतें आपको जब छठे घर में शुक्र आएगा बुध के साथ बैठेगा तो खत्म हो जाएगी। महीने के मध्य में सूर्य का गोचर भी 16 जुलाई को वो आपके छठे घर में होने जा रहा है और बुध का जो गोचर है वो 19 तारीख को हो जाएगा आपके सप्तम भाव। यहाँ परिस्थिति थोड़ा सा फिर बदलेगी आपके लिए कि जैसे ही सूर्य और शुक्र छठे घर में आएंगे तो ईगो या अहम फिर टकराएगा, लेकिन यहाँ सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा है, तो अच्छा इसलिए है सूर्य की सरकारी काम से आपको लाभ देगा, सरकार से लाभ दिलाएगा और ये सप्तम भाव का स्वामी बनता है, तो हो सकता है पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी कुछ नरमी गर्मी रह सकती है, अदरवाइज आपको लाभ देगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं करेगा। क्योंकि शुक्र शासन प्रशासन का कारक होता है, छठे घर में बलि माना जाता है, जब छठे घर में ये गोचर करेगा 16 जुलाई से लेकर के पूरे महीने तक, तो आपके लिए सरकार से लाभ मिलना जरूरी है, मिलेगा लाभ। शुक्र यहाँ बैठता है, धन का मालिक है, तो आपको धन भी प्राप्त हो सकता है, सरकारी का टेंडर भरते हैं, सरकारी का कोई काम करते हैं या किसी प्रकार के आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको सरकार से पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव पर शनि की सीधी दृष्टि आ रही है अपने घर से और यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि जो है वो आपके 12 जुलाई के बाद आपके सप्तम भाव का है। सप्तम भाव होता है व्यापार का, मंगल है आपके व्यापार के भाव का मालिक है, तो जब मंगल और बृहस्पति दोनों मिलकर के सप्तम भाव को देखते हैं
देखिए बृहस्पति की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं है, लेकिन जब मंगल और गुरु साथ बैठेंगे तो दोनों का संयुक्त तो प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होता है। तो यहाँ जब गुरु भी देखेगा तो एक तो विवाह शादी के योग बनेंगे, मंगल भी शादी के योग बनाता है, और जो दाम्पत्य जीवन है उसमें पीछे अगर कुछ मनमुटाव थे होते रहते हैं पति पत्नी के बीच में, अक्सर ये चलता रहता है क्योंकि यहाँ शनि की जो राशि है और सामने सूर्य की राशि है, तो इन दोनों राशियों में थोड़ा टकराव हर समय रहता है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो ये जो टकराव था ये कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, अच्छा रहेगा, जब तक बृहस्पति आपके चौथे घर में बैठे आपको थोड़ी राहत देंगे। और मंगल जब तक बृहस्पति के साथ बैठा है आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये पूरा महीना बृहस्पति के साथ ही मंगल रहेगा। मंगल देवता आएंगे यहाँ पे 12 जुलाई को, 12 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक यहाँ रहेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा है, पैसा कमा पाएंगे आप, व्यापार अच्छा चलेगा आपका, और यहाँ पति पत्नी के बीच में जो वैचारिक मतभेद थे वो भी आपके ठीक हो जाए। केतु बैठा है आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव होता है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का, हमारी आयु का, हमारे बड़े किसी रोग का, बीमारी का, रिसर्च का, वसीयत का, किसी बीमा का, ये सब चीज़ों का भाव होता है। तो राहु केतु जो है आपको अष्टम भाव में बैठ करके पहली बात तो कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन का लाभ कराएगा, दूसरी बात केतु बिना सिर का देवता है, तो ये जो भाव है ये बुध के घर में बैठा हुआ है, तो बुध जितना पावरफुल होगा उतना ही केतु आपको बढ़िया प्रभाव देगा। अब आपका जो बुध है वो 19 जुलाई को बुध सिंह राशि यानी सप्तम भाव में आ जाएगा, जब सप्तम भाव में बुध आएगा तो ये केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, अच्छा प्रभाव देना शुरू करेगा। हालांकि केतु अष्टम भाव में बैठ के खराब प्रभाव वैसे भी नहीं देता है, लेकिन जब बुध सप्तम में आ जाएगा तो प्रभाव अच्छा हो जाएगा, और जब तक बुध छठे घर में बैठा है तब तक ये विपरीत राजयोग बना के बैठा हुआ, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो शनि बकरी है, शनि की दृष्टि मंगल पर जा रही है 12 जुलाई तक, तो आपको भूमि से, जमीन से, मकान से कहने के यहाँ लाभ दिलाएगा, कहने के आपके मकान की व्यवस्था करेगा, आप खरीद सकते हैं, पैसा निवेश कर सकते हैं। और जब शनि की दृष्टि खाली तीसरे भाव पर जाएगी तो आपके बल पराक्रम को, आपकी हिम्मत को, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएगा, क्योंकि शनि का जो एक कार्य क्षेत्र है वो होता है मेहनत का। शनि मजदूर वर्ग का कारक है, तो ये हर समय कहता है कि आप मेहनत कीजिए। तो शनि की दृष्टि दशम भाव पर है, दशम भाव हमारे कर्म क्षेत्र का, करियर का भाव होता है, व्यापार का भी भाव मानते हैं, पिता का भी भाव मानते हैं इसको। तो ये जब कहता है कि आप मेहनत करिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो शनि आपको बहुत कुछ देने वाला है। और बकरी अवस्था में तो कहते हैं ना कि चेष्टा बल बढ़ता है तो कई गुना देता है, 2 गुना दे दे, 3 गुना दे दे, तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत विस्तार में जाएगा। शनि की जो बकरी अवस्था है वो आपके 12वें घर पर प्रभाव डालेगी, जो इसको 12th हाउस बोलते हैं। 12th हाउस होता है हमारे खर्चों का। अब शुक्र की और सूर्य की दृष्टि भी आपके 12th हाउस में जा रही है 16 तारीख के बाद, तो ये जो दृष्टि है 12वें घर पर ये आपको विदेश यात्रा करा सकती है, पढ़ाई के मामले में उच्च शिक्षा दिला सकती है, कंपटीशन में विजय करवा सकती है, किसी परीक्षा में, एंट्रेंस में, एग्जाम किसी में आपने एग्जाम देना है, आपको कोई इंटरव्यू है, आपको उसमें सफलता दिला सकती है। विदेश जाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, रास्ता खुला है आपके लिए, जा सकते हैं। तो सूर्य भी आपका छठे घर में बैठा है, बलि होता है, वो डॉक्यूमेंट्स में कमी है, कोई लीगली कमी है उसको दूर करा देगा, तो कोई भी आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, विदेश यात्रा संभव है। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, तो शुक्र और सूर्य का बैठने का मतलब ये है कि भोग विलास में ज़्यादा खर्चा होगा, आपके अहम पे, आपके ईगो पे भी कुछ खर्चा हो सकता है, इससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। बाकी कुंभ राशि वालों के लिए ये जो जुलाई का महीना है ये बहुत अच्छा है, आपको बड़ी खुशियों का आगमन आपके घर में होगा कोई ना कोई, और कोई संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। आपने हमारा थंबनेल देखा ही है, थंबनेल में हमने भी ये लिखा हुआ है, हमारा जो चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये धर्म का, अध्यात्म का, ज्ञान का, सब चीज़ का चैनल है, और एस्ट्रोलॉजी इसके लिए बेस्ट है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपने अपने बारे में कुछ जानना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म समय, जन्म स्थान हमें भेजिए, और सटीक समाधान हमसे प्राप्त करिए। मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए आपको पीछे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप ज्वाइन करियो और मेरे से आपकी सीधी बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा शुल्क लेते हैं, फ्री सेवा तो नहीं है लेकिन जायज लेते हैं कि आप उसको दे पाए। हमारा जो ये चैनल है, जो लोग देख रहे हैं, उन्होंने पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले उनसे मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम देखें, लाइक करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो मित्रों को शेयर करें। हर प्रकार के स्टोन का हमारा संस्थान डील करता है, हीरा मोती, पन्ना, पुखराज मोती, आपको कुछ भी चाहिए, जैनन आपको जैनून माल मिलेगा, रीजनेबल रेट पर मिलेगा,
गारंटी कार्ड के साथ मिलेगा। माल खराब हो, नकली हो, कोई दिक्कत हो, आप अपना माल हमें बेच के अपने पैसे हमसे वापस ले सकते हैं। बात करते हैं कुछ उपाय की। देखिए शनि वैसे तो जो बैठा हुआ है आपके कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए, ये केंद्र में बैठा है, ससनामक योग बना के बैठा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ईगो देता है, क्योंकि जो स्थान है ये जो जिसको केंद्र कहा जाता है, पहला केंद्र कहा जाता है, ये सूर्य का स्थान माना जाता है। अब सूर्य के स्थान में अगर शनि जैसा, अगर बेशक शुक्र ही बैठा है, लेकिन अगर शनि जैसा ग्रह बैठता है तो कहीं ना कहीं आपको एक ईगो पैदा करता है, आपके ईगो समझते हैं ना आप, एक घमंड, एक अभिमान थोड़ा पैदा करता है, इससे आपको बचना पड़ेगा। इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया आपको तरीका बता रहे हैं, आप सूर्य को लाल रंग की रोली डाल के, थोड़े चावल चीनी डाल करके और गायत्री मंत्र से रोजाना उसको अर्घ दें, आपके लिए बहुत, सबसे रोजाना दें डेली पूरा जुलाई का महीना, आपके लिए शनि बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होगा और शनि की जो ईगो है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा लगा प्रोग्राम, अपनी राय दें, अगला प्रोग्राम लेके आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।